Dear students of 9th class English, today I am going to teach you about the lesson The Shehnai of Bismillah Khan. Please listen to me. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called Phungi in the royal residence, for it had a silly pleasant sound. Once again, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called Phungi in the royal residence, for it had a silly unpleasant sound. बादशाह औरंगजेब ने राजमहल में पुंगी नामक वाद्य यंत्र के बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी व अप्रिय थी. अनप्रीजेंट मीन्स अप्रिय और रेजिडेंस मीन्स निवास स्थान. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी व प्रीति और नरकुल से बने शोर मचाने वालों का जातिगत नाम पुंगी हो गया. जेनरिक नेम मीन्स जातिगत नाम. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम. पुंगी का जातिगत नाम हो गया फॉर रीडेड नॉइज मेकर, जोरदार या अप्रिय शब्दों को निकालने के कारण इसका नाम जो है वो जो पुंगी था वो जो है लोगों के द्वारा कम पसंद किया जाने लगा और लोग इसको पुंगी के नाम से जानने लगे क्योंकि इसकी आवाज़ अप्रिय थी. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह पुनर्जीवन प्राप्त कर लेगी. रिवाइव मीन्स पुनर्जीवन प्राप्त किया. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस decided to improve the tonal quality of the Phungi. पेशेवर संगीतकारों के लिए एक परिवार के नाई ने, जिसकी पहुंच शाही राजमहल तक थी, Phungi के स्वर संबंधी गुण को सुधारने का निश्चय किया. He chose a pipe with a natural hollow stem That was longer and broader than the Phungi. उसने प्राकृतिक खोखले तने वाली एक नरकुल को चुना जो Phungi से ज़्यादा कहीं लंबी व चौड़ी थी. And made 7 holes on the body of the pipe. और उसने क्या किया बच्चों, और उसने उस मुरली पर, उस पाइप पर 7 छेद भी बना दिए. When he played on it, closing and opening some of these holes, जब उसने इस पर जो है खेलना शुरू किया, अपने खेल को आरंभ किया, अर्थात जब इसने बजाना आरंभ किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बंद करते हुए और खोलते हुए, सम ऑफ दीज होल, इनमें बने हुए कुछ छेदों को, सम सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस, तो इस वाद्य यंत्र से कुछ जो है प्रिय लगने वाले और मधुर संगीत उत्पन्न होने लगे. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, राष्ट्रीय परिवार के लोगों के समक्ष उसने इस वाद्य यंत्र को बजाया. एंड एवरीवन वाज इंप्रेस्ड, और प्रत्येक प्रभावित हो गया. द इंस्ट्रूमेंट
सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यह वाद्य यंत्र पुंगी से काफ़ी भिन्न था, है टू बी गिवेन ए न्यू नेम, और इसे नया नाम दिया जाने वाला था। एज द स्टोरी गोज, जहाँ तक कहानी कही जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई ए नाइट, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द सनाई। क्योंकि इससे पहले साह कक्ष में, क्योंकि इस वाद्य यंत्र को सर्वप्रथम साह कक्ष में बजाया गया और उसे एक नाई ने बजाया था, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम सहनाई रखा गया। प्यारे बच्चों, हम आप सब जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो है सहनाई के जो है लब्ध प्रशिक्षक वादक थे। उनकी कीर्त स्वदेश में ही नहीं विदेशों में भी फैल गई थी प्यारे बच्चों, और काफ़ी पुरस्कारों से हमारी भारत सरकार एवं विश्व की अन्य सरकारों ने उन्हें नवाजा, पुरस्कार प्रदान किया। आज उनका नाम अमर है, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, फिर भी ऐसा संगीतकार होना दुर्लभ ही है, असंभव ही है। आज हम यहीं पर अपनी बातें विराम करते हैं, बातों को विराम देते हैं, फिर अगले टर्न पर। धन्यवाद।